हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हाशिम और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी फॉर ब्लाइंड। और आज हम बात करेंगे वीपीएन के बारे में। तो वीपीएन क्या है? वीपीएन का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये हमें अपनी लोकेशन बदलने के काम आता है। जैसे अगर आपकी लोकेशन इंडिया है तो उसे आप दूसरी अदर कंट्रीज़ में चेंज कर सकते हो, जैसे कि फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट या जो भी सर्वर एप्लीकेशन में दिए गए हैं उससे। तो ये किस काम आता है? तो देखिए, कई चीज़ें कोई निश्चित देश हो, पर्टिकुलर देश हो, वहाँ बैन होती हैं। जैसे हमारे एग्जांपल के लिए बोलूँ तो इंडिया में टोरेंट की जो वेबसाइट्स हैं वो बैन हैं, और कई सॉफ्टवेयर जहाँ से फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो वो भी इंडिया में बैन है। अगर आपको वो डाउनलोड करनी है तो आपको वीपीएन का इस्तेमाल करना होगा। कई बार कुछ एप्लीकेशन निश्चित देशों में अवेलेबल होती हैं, जैसे अभी तो मुझे उस एप्लीकेशन का नाम याद नहीं है, पर एक OCR है जो सिर्फ UK में ही अवेलेबल है, यूनाइटेड किंगडम में। तो आप चाहें अगर उसे डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, अगर आप इंडिया में उसे सर्च करोगे तो नहीं निकलेगा, पर अगर आप अपनी लोकेशन चेंज UK करके फिर उसे OCR को अगर सर्च करोगे तो ही वो आपको मिलेगा और आप डाउनलोड कर सकते हो। तो बस इसका यही इस्तेमाल है। तो फिर इसका मैं इसके बारे में बता देता हूँ। तो आज हम इसके लिए एक एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे, उसका नाम है सिक्योर VPN, जो कि एकदम फ्री है। कई एप्लीकेशन पेड होती हैं पर ये फ्री एप्लीकेशन है और बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। तो इसकी स्पेलिंग बता देता हूँ मैं, S फॉर शिप, E फॉर एलिफेंट, C फॉर कैट, U फॉर अम्ब्रेला, R फॉर रैबिट, E फॉर एलिफेंट, सिक्योर, और फिर V फॉर वैन, V, P फॉर पैरेट, P, N फॉर नवंबर, VPN, सिक्योर VPN। इसकी रेटिंग 4.7 की, जो कि बहुत अच्छी रेटिंग है, और इसका साइज 4.1 है। प्ले स्टोर पर मिल जाएगी आपको, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इस एप्लीकेशन को हम देख लेते हैं। Apps. Secure VPN बोला इसने। तो फ्रेंड्स, आप अपनी लोकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि बिना लोकेशन ऑन करे लोकेशन चेंज नहीं कर पाएगा ये VPN। हाँ, तो ये एप्लीकेशन खुल चुकी है और अब इसके ऑप्शंस हम देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, उल्टे हाथ तरफ सबसे ऊपर एक बटन है, लेफ्ट हैंड साइड ऊपर के कोने में अनलेबल बटन बोल रहा है, पर ये आप समझ लीजिए नेविगेशन डोर या मेन्यू, जो भी आप कहना चाहें इसे कह सकते हो। तो इसमें देखिए क्या क्या है। एप्स यूजिंग VPN, तो इसमें क्या है, जो भी एप्लीकेशन VPN इस्तेमाल कर रही है उनके बारे में देख सकते हो आप। फीडबैक दे सकते हो आप। शेयर कर सकते हो एप्लीकेशन को। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस, कोई अगर आपका सवाल है तो वो पूछ सकते हो। सेटिंग्स ठीक है, तो सेटिंग्स में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो मुझे अलग से दिखाना पड़े, इसलिए हम यहाँ से बाहर चलते हैं। फिर उसके ही लाइट राइट हैंड साइड सीधे हाथ तरफ सबसे ऊपर एक बटन है कंट्रीज नाम से, आइकॉन कंट्री। तो आप मैन्युअली अपने मतलब खुद अगर अपनी पसंद की कंट्री पे जाना हो तो आप वहां पे जाके सेट कर सकते हो। डबल टैप करता हूं मैं इस पे, तो ये इसमें अलग अलग सर्वर आ गए, तो जो भी आपको पसंद हो आप सेट कर सकते हो। नेदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, तो ऐसे अलग अलग कनाडा अलग अलग सर्वर दिए हैं। तो वैसे तो ये डिफॉल्ट पे ऑटोमेटिक पे सेट रहता है, ये बीच बीच इस पे ऑटो लिखा है, तो जब आप अगर यहाँ मैन्युअली कोई कंट्री सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ बीच बीच उसका नाम आ जाएगा, पर ऑटो में ऐसा रहता है जो भी सबसे फास्ट सर्वर रहता है ये हमें उस पर ले जाता है। तो इसे ऑटोमेटिक पे ही, अगर आपको कोई पर्टिकुलर कंट्री का सर्वर यूज़ नहीं करना है तो फिर इसे ऑटोमेटिक पे सेट रहने देना, और नीचे बटन है कनेक्ट की,
यहाँ नीचे है कनेक्ट, कनेक्ट कनेक्ट बटन पे एक बार प्रेस करोगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है कनेक्ट होने के लिए, हो गया कनेक्ट। और फिर बीचों बीच जहाँ पहले ऑटोमेटिक लिखा था वहाँ पे टाइम कि कितनी देर से वीपीएन चल रहा है वो बताता है, और नोटिफिकेशन में भी आप देख सकते हो तो उसका आइकन बना जाता है। एडवर्टाइजमेंट अगर ओपन हो तो बैक करके उसे क्लोज कर देना, तो फिर आप कहीं पे भी अपना जो भी किसी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना हो, जो मतलब जो यहाँ इंडिया में बैन है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। और इसे वापस बंद करना हो तो कनेक्ट बटन पे फिर से क्लिक कर देना तो डिसकनेक्ट का ऑप्शन आएगा, तो फिर डिसकनेक्ट कर देना उसे। कनेक्टेड बोल रहा है अभी, कनेक्ट है तो इस पे डबल टैप किया, और यहाँ डिसकनेक्ट का ऑप्शन आ जाता है तो डिसकनेक्ट आप चाहें तो फिर डिसकनेक्ट कर देना अपना काम खत्म होने के बाद, तो आपको वापस लोकेशन आपका ही जो कंट्री है वो हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, मैं इसका आपको डेमो करके दिखाता, पर क्या है कि जैसे उसे जैसे टॉरेंट की कोई साइट में सर्च करने के लिए करता हूँ तो ड्यू रिकॉर्डर जो स्क्रीन रिकॉर्डर है उसका वो बंद हो जाता है, इसलिए आप खुद ही करके देखना एक बार। आप जो है टॉरेंट सर्च इंजन इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उस पर कोई भी मूवी का नाम आप सर्च करके देखिए ऐसे ही, तो उसमें सही रिजल्ट नहीं आएगा। फिर आप वीपीएन इस्तेमाल करके आप कोई भी नई मूवी को सर्च करके देखिए तो उसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये करके देखना, और अगर फिर भी ना हो तो कमेंट बॉक्स में बताना तो फिर मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। तो ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और फ्रेंड्स उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक करना फ्रेंड्स, अगर इसमें कोई कमी रह जाए तो डिसलाइक कर देना। और फ्रेंड्स जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, उन लोगों से कहूँगा कि सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को दबाओ ताकि आपको कोई भी जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स शेयर करना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।